नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमने यहाँ पे लैटराइट स्टोन में ये कंपाउंड वॉल किया है, जिसे चिरा स्टोन कहते हैं हमारे यहाँ पे, रेड स्टोन भी कहते हैं उसको। तो ब्रिकवर्क के नीचे हमने स्टोन मेसनरी किया है, मतलब यूसीआर फाउंडेशन, स्टोन फाउंडेशन एक 1.5 फीट ऊपर लिया है ग्राउंड लेवल से, जहाँ तक हमारा फिलिंग आने वाला है, और बीच में ये 15 फीट गेट छोड़कर यहाँ पे कंपाउंड वॉल। तो 4-4.5 फीट हाइट लिया है कंपाउंड वॉल का, और हमने इसको प्लास्टर नहीं किया है, बाहर से ये पट्टी की डिज़ाइन की है, अंदर से भी वही है। ये देखिए जॉइंट पे हमने 1.5 इंच की पट्टी निकाली है प्लास्टर में, 1.5-2 इंच पट्टी निकाल सकते हैं। और ये टॉप में कंक्रीट डाला हुआ है, और ये कंक्रीट डाल के 3 इंच की ये प्लास्टर की पट्टी निकाली है। तो ये स्टोन अलग अलग साइज़ में अवेलेबल रहता है, हमने यहाँ पे 9-7-15 इंच का ये स्टोन है, तो 9 इंच हाइट है हमारे यहाँ पे ब्लॉक की। और ये बैक साइड में हमने पट्टी नहीं निकाली है, जहाँ रोड है उसी साइड में डिज़ाइन किया है। इसमें खाली टॉप में पट्टी निकाल के जॉइंट में हमने सीमेंट और जो टेराकोटा क्ले आता है तो उसको मिक्स किया है कलर के लिए, मतलब आपने बाद में कलर नहीं भी किया तो वो नेचुरल दिखेगा। टेराकोटा क्ले 50-60 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों ये पट्टी का रेट, लेबर का रेट ज़्यादा जाता है, मतलब पट्टी का रनिंग फिट पे रहता है 25-30 रुपये फिट लेबर लेते हैं इसका, और वेट भी ज़्यादा रहता है स्टोन का, 25-30 किलो एक स्टोन का वेट रहता है, ये देख सकते हैं। इसमें अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं आप, ये कलर करने के बाद काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये स्टोन समुंदर किनारे अवेलेबल रहता है, जैसे गोवा, केरला, महाराष्ट्र में कोकण एरिया में मिलता है। इसका रेट 40-50 रुपये ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। तो इसमें ये दूसरी डिज़ाइन कर सकते हैं, टॉप में मोल्डिंग की डिज़ाइन और बीच में ये रैकिंग सिस्टम, ये देख सकते हैं पिलर के लिए भी है, खाली इसका लेबर ज़्यादा जाता है। ये मोल्डिंग का रनिंग फिट 200-250 रुपये रहता है, और खांच का जो है वो 3,000-3,500 पर ब्रास। तो उसके लिए इस तरह से ब्रिक वर्क करना पड़ता है, 1 इंच गैप छोड़ के, मतलब वुडन पट्टी रख के ये ब्रिक वर्क करते हैं। ये देख सकते हैं बाहर कोई भी मोर्टार नहीं है, मसाला जो भी है वो अंदर निकाल लेते हैं इसका, और 1 इंच गैप छोड़ के बाद में उसको प्लास्टर के समय ये इस तरह से करते हैं। एक स्टील का पाइप रहता है राउंड वाला, तो उसको घुमा के ये एक लेवल में करते हैं, मतलब ब्रिक वर्क करते समय ही एक लेवल करना पड़ता है। और ये मोल्डिंग डिज़ाइन बहुत सारे है कंपाउंड वॉल के लिए, घर के लिए भी यूज़ होता है ये स्टोन, तो डिज़ाइन के हिसाब से रेट रहता है इसका। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।